देख सकते गाइस, अभी घर का पूरा साफ सफाई हो रहा है। इतना दिन घर बंद था, पूरा कचरा हो गया यार। कचरा हो गया, देख रहा मेरा गैस का, देख रहा हूँ गैस का स्टाइलिश पूरा ही, देख इतना ज्यादा। देख सकते गाइस, अभी मनीषा बड़ा पोछा लगा रही है किचन का। भूख लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती, मतलब इतना भूखे में कैसे हो जाए। हो गया फटाफट सब्जी, बस हो ही जाए, बस थोड़ा सा हो जाए उसके बाद। देख सकते गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। सो कैसे आप सब, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस हम लोग भी ठीक है, और अभी जस्ट मैं उठ चुकी हूँ, 6 भी नहीं बजा उससे पहले हमें, और अभी उठ चुके हैं। बोलू अभी तक सोया हुआ है, तो जल्दी उठने का रीज़न ये था, घर मेरा बहुत ज़्यादा गंदा है तो जल्दी उठ के सब सफाई। ये उठ के हमें सही से जाता है, साफ सफाई भी करना है और नाश्ता वगैरह बनाना है। सो गाइस, जैसे कि देख सकते हैं, ये रहा गोलू, कटहल बना रहा है जो कि मायके से हम लेके आए हुए थे। कटहल को काट रहे हैं, ये काट रहे हैं। हाँ, मतलब मैं बनाऊंगी, ठीक है। तो ये कटहल को काट रहा है बैठ के, क्योंकि हमारे पास क्या बोलते हैं, वो बैठी नहीं है काटने के लिए, कोई बड़ा सामग्री नहीं है हम लोग के पास, एक छोटा सा चक्कू है जो 10 रुपया में मिलता है। तो ठीक है, आप जल्दी जल्दी इसको बस काट दीजिए, उसके बाद मैं इसको बनाऊंगी कटहल, ठीक है। देख सकते हैं मैंने कटहल काट काट के, देख सकते हैं मैंने इतना छोटे छोटे टुकड़े पे काट लिया। देखिए अब इसको जाते हैं और सब्जी बनाएंगे, ठीक है। चलिए फिर बाबू का साइकिल भी लेते हैं आज यहाँ पर रख के। देख सकते हैं गाइस, अभी घर का पूरा साफ सफाई हो रहा है। इतना दिन घर बंद था, पूरा कचरा हो गया है। कचरा हो गया, देख रहा मेरा गैस का, देख रहा हूँ गैस का स्टाइलिश पूरा ही, देख इतना ज्यादा गंदा हो गया है। सारा पूरा किचन वगैरह सब गंदा हो गया, सबको पूरा सारा साफ सफाई होगा आज कर। सबसे पहले सफाई करेंगे, उसके बाद सब पोछेंगे, झाड़ू वाड़ू करके पोछेंगे मस्त, उसके बाद जाके कुछ नाश्ता खाना वगैरह कुछ बनाएंगे सोच रहे। बहुत ही तो भूख भी लग रहा है, कोई बात नहीं, हम करते हैं फटाफट काम। देख सकते हैं गाइस, अभी यहाँ कुकर पे चढ़ा दिया है कटहल को, और इधर उधर मनीषा चावल चढ़ाए हुए। अभी चावल भी हो गया, अब चावल भी चढ़ा, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, साफ उफ करते करते अभी तक हम लोग कुछ खाए नहीं है। सो ये रहा हमारा कटहल जो कि मैंने बॉईल करके रखा था, एकदम मस्त सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया, जैसे कि मैं आप सबको दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए आराम से, देखिए हो गया ना आराम से। और इधर मैंने टमाटर काटा है और प्याज ही काटा है, ठीक है। और इधर जो कटहल वाला पानी था, जो बॉईल वाला, ये मैंने इसको भी अलग से निकाल कर रख दिया है इसमें, ठीक है। इसको जब मैं सब्जी बनाऊंगी तब ये वाला पानी को कटहल में डाल के, अभी तक मैंने ब्रश भी नहीं किया है, और अभी बस प्याज और मैं टमाटर ही काटी हूँ घर में, ना हरी मिर्च है, ना लहसुन है, ना आधा है, कुछ आधी है, ना कुछ भी नहीं है। तो अभी गोलू गया है मार्केट, वो गया है मार्केट, वो लेके आएगा उधर से लहसुन वहसुन और कुछ घर का राशन लेके आएगा, जो कि सब्जी वगैरह सब लेके आएगा। और मैं अभी को अब गोद करके गोदी में रख के उसको बस इधर उधर घुमा रही हूँ। जब से गाँव से आया तब से एकदम अलग ही हो गया है, मतलब गोदी से उतरता ही नहीं है, बस हर टाइम रो ही रहा है, पता नहीं कैसा आदत लग गया उसको। वहाँ पे 10-12 दिन था, उसका अच्छा खासा आदत लग गया है बाहर में घूम घूम के, इसलिए अब उसको मतलब यहाँ पे बस गोदी रहना और बाहर में ही घूमना है। तो गोलू आएगा, उसके बाद मैं सब्जी वगैरह बनाऊंगी, और खाना तो मेरा चावल तो बन गया, जैसे कि दिखाते हैं, रुकिए। मेरा चावल है, चावल मेरा यहाँ पे बन गया है, देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, देखिए चावल बन गया है। देखिए मैं कटहल का फ्राई कर रही हूँ, ठीक है, कुक करने से पहले, ऐसे करके खाने से बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगता है, तो मैंने फ्राई किया, देख सकते हैं। बाकी ये सबको फ्राई करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, उसके बाद खाएंगे, बहुत टेस्टी।
अदरक को यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसमें छोटा छोटा छोटे में मतलब मिक्स में पीसे नहीं है, बस इसमें थोड़ा थोड़ा करके अदरक भी मैंने डाल दिया। देखो देख सकते हैं गाइस, अभी सब्जी हमारा पूरा मस्त टेस्टी टेस्टी लग रहा है, पूरा स्मेल भी बहुत मस्त आ रहा है, पूरा रेडी हो गया है। बस थोड़ा सा नमक डाल दे रहे हैं ना, उसके बाद अब खाएंगे। बहुत ज़्यादा लेट, इतना ज़्यादा भूख लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती, मतलब इतना भूखे में कैसे हो जाए। हो गया फटाफट सब्जी, बस हो गया, बस थोड़ा सा हो जाए, उसके बाद देख सकते एकदम पूरा मस्त, इतना मस्त स्मेल आ रहा है। ओ देख सकते गाइस, ये रहा हमारा लंच जो कि रेडी है। कैसा लगा खाने में? लंच नहीं है अभी, पता है 11 बज गया। अरे वही मतलब अभी मतलब मॉर्निंग का लंच, घर में इतना काम था, काम की वजह से अभी खा रहे हैं हम लोग खाना। अब चलो फटाफट खा लो यार, बाद में लॉगिन करना, भूख लगा। खाते हैं, बहुत जोर से भूख लगा गाइस, इतना ज़्यादा खाना खा लिया, बाप रे बाप, पूरा पेट फुल हो गया। फिर अभी ऐसे ही जस्ट, और एक चीज़ मैं दिखा रही हूँ, ठीक है, मेरा बेटा बच्चा कैसा सोया है उसको दिखा रही हूँ। ऐसे सो रहा है, तभी से ऐसे हो रहा है, पता नहीं उसको कहाँ होते रहे। गाइस हम लोग सो गए थे, अभी जस्ट उठे हैं हम लोग, गए खाना खाने के बाद, मैं थोड़ा सो गई थी, फिर उठ के अभी को भी नहला दी, हम भी नहा लिए थे और अभी सो गए थे। सो के अभी जस्ट उठ रहे हैं, अभी पूरा एकदम शाम हो गया है, पता ही नहीं चला कितना देर तक सोए हम लोग, लगभग 1 बजे आस पास सोए थे, ठीक है। और अभी बज रहा है 5 बज रहा है, समझ सकते हैं कल का थका हुआ, कल जितने थक गए थे ना, थकान ही नहीं मिटा था, आज ही थकान मिटा है जैसा लग रहा है, क्या हुआ। और अभी को मैं बहुत पुराने वाला कपड़ा पहना रही हूँ, जैसे कि देख सकते हैं, ये बहुत छोटे टाइम का था, जब ये बहुत ज़्यादा छोटा था ना, बहुत ज़्यादा बोले तो जब 1 मंथ का भी नहीं था उस टाइम का, ये सब उसका कपड़ा आया था। अभी देखिए 10 मंथ हो गया, अभी भी बन रहा है, तो मैंने सोचा पहना देती हूँ। और उसको अभी खेलने के लिए मैंने इतना सारा सामान यहाँ पर दे दिया है, लो खेलो खेलो खेलो, अब वो आराम से ऐसे ही बैठ के खेलेगा। देखो कितना दिन के बाद हम लोग छत पे आए हैं, अभी तो पूरा खुश हो गया, इसको आज दिन भर रूम में रखे थे और अभी इसको बाहर लेके आए, इसलिए पूरा खुश हो गया। इधर 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 बेटा, अभी देखेगा तुम, ये नहीं देख रहा है, सकते हैं ब्यूटीफुल, तब प्यारा सा एक चांद निखर आया है, देखिए इतना दिन में भी चांद निकल आया है, पर दिख रहा है। देख सकते हैं गाइस, अभी खुद से खड़ा हो गया, गिर गया गिर गया मेरा बच्चा, ये खुद से खड़ा हुआ था, ठीक है। मैं इसका वीडियो जैसे बढ़ाऊंगी बोली, मतलब ये फोन का फ्लैश लाइट देख के ये मतलब गिर गया, नहीं तो फिर खड़ा ही होगा। बोले मेरे बच्चे तुम लोग ना अच्छा स्वीट बेबी है ना, गिर गया बेटा। इसको अभी छत से नीचे आने के बाद दुकान लेके गए थे, ठीक है, बिस्किट खरीदने के लिए, तो बिस्किट वगैरह खरीद दिए और इसको खिला रहे थे, और इसी उसको खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। अभी जैसे कि अब 10 महीना हो गया, कब चलना सीखेगा है ना, तो इसलिए मैं इसको खड़ा कर रही थी, और कभी कभी खड़ा हो जाता है। बाबा नहीं है वो, व्लॉग व्लॉग, ठीक है, ये बाबा नहीं है, बोले बाबा, तो इसलिए अब कब चलेगा पता नहीं। गाइस अभी मैंने बाबू को सुला दिया है, ठीक है, रूम पे, और आके मैं अभी जस्ट रोटी बनाई, जैसे कि देख सकते हैं ये रहा हमारा रोटी, जो कि मैंने इतना सारा रोटी बनाया है एकदम पूरा गरम गरम, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। और मैंने सब्जी तो अभी तक कुछ बनाया नहीं है, क्योंकि हम लोग जो 11 बजे आसपास खाना खाएं उसी टाइम सब्जी बनाए थे, कटहल का सब्जी सोया वाला, तो अभी तक बाहर था, तो गोलू बोला कि इसी को ही खा लेंगे, अभी मत बनाओ, तो मैंने नहीं बनाया। जैसे कि देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा सब्जी है, और इसमें मैंने थोड़ा सा निकाल लिया है सब्जी, देख सकते हैं, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी गर्म कर दिया है, तो इसलिए मैंने सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं बनाया। अब वही कटहल का सब्जी, उसी के साथ मैं अब रोटी खाने वाली हूँ। गोलू आता है 11 बजे आस पास, तो
मैं खा लेती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रहा है। और खुद बोलते हैं कि मेरा इंतज़ार मत किया करना, खा के सो जाना। तो अभी बस खाऊंगी मैं, मुझे भूख लगा है। वैसे 10 तो बजी गया और 1 घंटे के बाद वो आ ही जाएगा। चलिए ठीक है, मैं खाती हूँ, पहले डिनर करती हूँ, फिर आप सबसे। हे गाइस, तो अभी जस्ट मैंने खाना वगैरह खा लिया और अभी जस्ट मैं बैठी हुई हूँ। और अभी को इधर मैंने सुला दिया है, वो जैसे तैसे करके उधर हम सो गया है और अभी तक गोलू आया नहीं है। और मैं भी जा रही हूँ, अभी मैं थोड़ा देर सो जाती हूँ, मैं को भी बहुत ज़्यादा थकान लग रहा है। और अभी तो वीडियो ही पे एंड भी करते हैं, क्योंकि वीडियो अब कल सुबह ही मैं स्टार्ट करूँगी। तो ठीक है, वीडियो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप सबसे एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हाँ, गुड नाइट।